भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मेहतारी ब्यूटी सोप। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर काम करने वाले पत्रकारों को रंजीत बख्शी कोविड हेल्पलाइन द्वारा सम्मानित किया गया। हेल्पलाइन ने मंगलवार को जसूर के पत्रकारों को सम्मानित करते हुए मौजूदा दौर में उनके योगदान की सराहना की। हेल्पलाइन के निदेशक IAS अखिल बख्शी ने बताया कि उनकी हेल्पलाइन कोविड संक्रमित मरीजों से लेकर उन जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है जो इस समय रोजगार न होने की वजह से अपने घरों में हैं। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन ने आशा वर्कर्स को भी जरूरी सामान भेंट किया जिससे वे कोरोना के इस दौर में सुरक्षित रह सके। अखिल ने बताया कि इस दौर में पत्रकारों ने भी अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस समय कोरोना संक्रमण पीक पर था उस समय भी पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की समस्याओं को सामने लाते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कर्मी तो घोषित कर दिया लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया और ना ही उन्हें सम्मानित किया गया जिसके ये हकदार हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के योगदान को देखते हुए ही आज रंजीत बख्शी कोविड हेल्पलाइन ने जसूर के पत्रकारों को सम्मानित किया। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके, कुछ वॉलंटियर्स ने मिलके, हमने एक छोटा सा एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है रंजीत बख्शी कोविड केयर हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन के अंडर हम लोग जो हैं गांव-गांव में जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाकर जो भी लोग कोविड से ग्रस्त हैं और जो भी कोविड की वजह से अपने घरों में बैठे हैं, जिनके पास इस टाइम पे खाने के लिए थोड़ी सी तंगी है या जिनके कमाने का थोड़ा बहुत इशू है, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर गाँव में जाएँ और वहाँ पर जाकर उन लोगों से बातचीत करें, उनका थोड़ा सा कुशल क्षेम जानें और साथ ही साथ उनकी जो भी समस्या आ रही है उसको हल करने की कोशिश करें। इसके लिए हमने उनको डॉक्टरी सलाह उपलब्ध करवाई है, हम लोग उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं, बेसिक कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ राशन पानी की थोड़ी सी दिक्कत है वहाँ पे हम अगले दिन राशन भी उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी मुहिम में हम लोगों ने आशा वर्कर्स को अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे भी, बीच में जब कोविड का एक पीक जब तक नहीं आई थी तब तक हमने उनको भी कॉन्स्टेंटली अपने इस इनिशिएटिव के अंडर सप्लाइज़ जो हैं वो उपलब्ध करवाए। और अब जो है मुझे लगा कि ये सही मौका है जब हम लोग अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको जो है अपनी तरफ से, उन्होंने जो भी इसलिए पिछले दो महीने में काम किया उनको हम लोग सम्मानित करने की कोशिश करें। तो इसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने, मैंने पर्सनली जगदेव जी से और अश्विनी जी से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मेरे पास आएँ और हम लोग जो है आपको थोड़ा सा अपना एक आदर प्रकट करने के लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो इसलिए जितने भी यहाँ पर हमारे पत्रकार थे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पत्रकार जो हैं वो इस तरह के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो हर जगह पर जाते रहे हैं, चाहे वो कोविड वार्ड हो, चाहे वो कोविड पेशेंट्स से उनके घर जाकर उनसे इंटरव्यू करना हो, चाहे वो डॉक्टर्स से मिलना हो, नर्सेस से मिलना हो या किसी भी ऐसी जगह पर जाना हो जहां पर कोविड संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि इन लोगों के पास जो है सफिशेंट तरीके से इनको सम्मानित नहीं किया गया, ना सरकार के तौर पर ना प्रशासन के तौर पर। तो इसलिए हम लोग अपने इनिशिएटिव के अंडर इनको सबको एक जगह पर बुलाकर हम लोग इन्हें सम्मानित करना चाहते थे ताकि हम अपना एक ग्रैटिट्यूड एक आम आदमी के नाते हम ये दिखा सकें कि हम लोग जो हैं बहुत इस मामले में आपके आभारी हैं कि आप लोग उस समय घर से बाहर निकले जब कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा था और आप लोगों ने तब जाकर लोगों के बीच से जो भी ज़रूरी खबरें हैं वो हम तक पहुँचाई, उसके लिए वी आर ऑल वेरी थैंकफुल। और मैं अपनी तरफ से और अपने जितने मेरे वॉलंटियर्स यहाँ पर बैठे हैं उनकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सो थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।